Hello everyone, welcome back to my channel. So this is Patel Shalini over here और आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप e-reading में कैसे bands increase कर सकते हैं और you all must be thinking कि आपको कैसे पता reading. मेरे पास obviously दो time का experience है और मेरे भी कोई मैं reading में इतनी pro नहीं थी कि like मेरे 7.5 आते थे 5.5 आते थे मेरे हर एक मतलब कि मॉक टेस्ट में, लेकिन मैंने 5.5 से कैसे इम्प्रूव किया है आई डोंट हैव लाइक मुझे इतना कोटेशन मार्क करना और ये सब मेरे को नहीं मतलब कि इतनी आ रही थी मेरे को इतनी समझ की लाइक अंडरस्टैंडिंग एंड ऑल. फिर भी मैंने 5.5 से अपनी रीडिंग में 6 बैंड्स कैसे लाए और तुम इससे भी ज़्यादा कैसे इम्प्रूव कर सकते हो, विद इन कैसे इम्प्रूव कर सकते हो. लाइक मैंने मेरे बैंड कैसे इम्प्रूव किया, मैंने एटलीस्ट अपनी आईएलटीएस की कोचिंग 3 महीने की है और 3 महीने में मुझे यह एक्सपीरियंस मिला कि अगर रीडिंग में सही में विद डेडिकेशन एंड डिवोशन तुमको रीडिंग में अगर चाहिए बैंड्स लाइक 6, 6.5, 7 देन डेफिनेटली पूरी रीडिंग करने की कोई जरूरत नहीं. फर्स्ट तुम लोग फर्स्ट के 3 दिन ट्रू फॉल्स नॉट गिवन करो, सिर्फ ट्रू फॉल्स नॉट गिवन, डजेंट मैटर कि तुम कितना टाइम ले रहे हो. फिर 3 दिन के बाद लिस्ट ऑफ एडिंग्स करो, फिर फिल इन द ब्लैंक्स करो, 2 दिन लो फिल इन द ब्लैंक्स की, 3 दिन लिस्ट ऑफ एडिंग्स लो. और एमसीक्यू तो यार छोड़ ही दो, एमसीक्यू में तो सब ए करके आ जाओ क्योंकि एमसीक्यू में टाइम वेस्ट करोगे ना ऑब्वियसली. एमसीक्यू बहुत कम लोगों के, बहुत रेयर होगे जिनके सच पढ़ दे, बाकी ऑब्वियसली सबके एमसीक्यूज तो गलत ही होते हैं. सो यू डोंट हैव टू वेस्ट योर टाइम. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रीडिंग एक ऐसा मॉड्यूल है ना जिसमें लाइक 40 questions होते हैं, 3 passages होते हैं और 1 hour में 3 passages सॉल्व करने के होते हैं. मैं फर्स्ट एडवाइस दूंगी ना यार, तुम लोग है ना पैसेज को देख के पहले बिल्कुल भी मत डरना जब भी तुम्हारे एग्जाम में पेपर आए हाथ में. सो डोंट बी अफ्रेड बाय सीइंग अ पेपर, कोई नहीं चलेगा, आंसर पेपर में ही है, वो पैसेज में ही है. अब एक बात होती है कि राइट 1 hour में जरूरी तो नहीं है ना कि 40 के 40 questions सॉल्व करें, बट 1 hour में एटलीस्ट अपन 30 करें, बट वो 30 भी इतने कंसंट्रेटेड के साथ करें कि जो मतलब कि एटलीस्ट 27-26 सही हो जाए, देन ऑब्वियसली बहुत बेटर होगा. जो लास्ट के होगे उसमें तो अपन लास्ट में अपने ट्रू और फॉल्स छूट गए तो ट्रू 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 करके आ जाएगी, तो कहीं ना कहीं 2-3 marks अपन को कहीं तुक्का लगा के मिल ही जाए. आप कहते हैं कि दिन में कितनी रीडिंग सॉल्व करे, अब ऑब्वियसली कि तुम लोग 4 करोगे 5 करोगे फिर भी तुम्हारा कोई स्कोर इम्प्रूव नहीं हो रहा, ऊपर से और डिक्रीज हो रहा है, देन ये तुम सबसे डम्बेस्ट चीज कर रहे हो. सो इट्स बेटर कि दिन में 2 रीडिंग सॉल्व करो, बट दोनों रीडिंग ऐसे सॉल्व करो कि मतलब कि एकदम कंसंट्रेटेड माइंड के साथ, फ्रेश माइंड के साथ. नहीं मेरे को आज 22 आया है तो आज मैं इंप्रूव करूंगा 24. नो मैटर कि तुम कितना टाइम ले रहे हो, बट एटलीस्ट यू आर इम्प्रूविंग और फिर उसको कहीं ना कहीं तुम लोग चेंजेस लेके आओ. और फिर क्योंकि है ना सब एक चीज होती है ना लाइफ में, सब है ना अपनी मिस्टेक से मतलब कि आगे बढ़ते हैं, देन ऑब्वियसली रीडिंग में भी ऐसा है कि तुम कहीं मिस्टेक हो, पहले करो रीडिंग, तुम्हारी कहीं पर मिस्टेक हो रही है देन डेफिनेटली उस मिस्टेक पे फोकस करो कि मेरी गलती कहाँ हो रही है, मुझे वो गलती वापस रिपीट नहीं करनी, देन तुम आगे बढ़ो. ऑब्वियसली 100% चांसेस है कि यार रीडिंग में स्कोर इम्प्रूव होगा होगा एंड होगा. पहले स्ट्रेंथ पे फोकस करो, लाइक रीडिंग में अपनी स्ट्रेंथ बना. मेरी स्ट्रेंथ है फिल इन द ब्लैंक्स और लिस्ट ऑफ एडिंग्स, और ऑब्वियसली फिल इन द ब्लैंक्स है ना हर किसी की स्ट्रेंथ होती है, मतलब फिल इन द ब्लैंक्स एक ऐसी है ना जो मतलब कि बहुत जल्दी मिल जाती है, वी डोंट हैव टू वर्क हार्ड ऑन दैट. तो फिल इन द ब्लैंक्स अराउंड 11-13 आएगी, सो तुम उसकी स्ट्रेंथ बना लो. लिस्ट ऑफ एडिंग्स या लिस्ट ऑफ एडिंग्स लगता है कि है ना रीडिंग में ना फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत सारे लोग होते हैं जिनको है ना कुछ क्वेश्चंस मतलब कि कुछ ट्रू फॉल्स नॉट गिवन होते हैं, उनके लोकेशन पता नहीं होते. पहली एडवाइस तो मैं दूंगी कि वो सीक्वेंस वाइज ही होगी, ऑब्वियसली फिल इन द ब्लैंक्स फर्स्ट है तो फिल इन द ब्लैंक्स फर्स्ट के पैराग्राफ में ही होगी, और अगर ट्रू फॉल्स लास्ट है तो वो लास्ट के पैराग्राफ में ही होगी. और तुमको अगर नहीं मिल रहा ना तो यार एक दो नहीं मिल रहे तो तुम टाइम वेस्ट मत करो, आपके पास और सेकंड भी पैसेज है, थर्ड भी पैसेज है, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट कि यार वो फर्स्ट और सेकंड छोड़ गए, छोड़ने दो उसको, लेकिन बाकी के 2 पे एटलीस्ट उस पर फोकस करो. नहीं तो जो 15,000 तुमने पे किए ना वो भी चले जाएंगे पानी में, और ऊपर से वो दोनों भी चले जाएंगे पानी में. सो इट्स बेटर कि तुम लोग है ना वो तो फोकस नहीं करके तुम आगे बढ़ो कि मतलब कि लाइक आगे एक दो के तो जस्ट कीप इट, आगे बढ़ो मतलब कि सेकंड और थर्ड पैसेज में जाओ, ऑब्वियसली वहाँ पे तुम ज़्यादा फाइन बैटर करोगे. और मैं एट द एंड भी यही मतलब मैं तुमको रिक्वेस्ट करूँगी कि यार प्लीज़ फोकस ऑन स्ट्रेंथ. और वीडियो देन प्लीज़ गोना लाइक इट, शेयर इट, सब्सक्राइब इट विद योर फ्रेंड्स. और अगर कोई भी और स्पीकिंग का भी मैं बनाऊँगी और राइटिंग का भी बनाऊँगी, सो प्लीज़ गोना सब्सक्राइब इट, तो आपको आते हुए नया वीडियो आएगा देन डेफिनेटली यू विल गेट इट.